गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सर्दियों की बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है बाजरा। बाजरा की दलिया, बाजरे की खिचड़ी खाई आपने, रोटी खाई है, परांठे खाए हैं, चीले खाए हैं, सब कुछ तो हमने इस चैनल पे आपको बना के दिखाया है। अब हम स्पेशल बना रहे हैं बाजरे का दलिया। देखिए किस तरह दलिया बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिए एक कढ़ाई और बाजरे को पहले अच्छे से हमने साफ कर लिया था और कढ़ाई के अंदर हमने बाजरा डाल दिया है। जितनी आवश्यकता है उतना आप ले लीजिएगा, मुझे जितनी जरूरत थी उतना मैंने ले लिया बाजरा। और बाजरे को धीमी आंच पे मैं इसको सेक लूंगी और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 3 से 4-5 मिनट में इसको बड़े अच्छे से आप सेक पाएंगे। हाँ, ध्यान रहे फ्लेम को अपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे बाजरे को नहीं सेकना है क्योंकि उससे बाजरा क्या होता है, खिल जाता है। चलिए मैं बाजरे को धीरे 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 थोड़ा भून लेती हूँ, अभी तो ये गर्म ही हुआ है। ठीक है, आप भी गर्जना नारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब देखिए बाजरा हम क्यों खाते हैं, क्योंकि बाजरा गर्म तासीर का होता है, ये हमारे शरीर को सर्दी से बचाता है। बाजरा में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है और जब दलिया खाया जाता ना तो जिनको मोटापे की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, वो बाजरे के दलिये से ठीक हो जाती है। बाजरा हमारा भुन गया है, बाजरे को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है और आपको ठंडा करने के लिए बाजरे को हम छोड़ देंगे। जब तक देखिए हमने इस बाजरे के हिसाब से लिए तिल। अब हम क्या करेंगे, तिल है, इनको धीमी आंच पे तिल को अच्छे से क्या कर लेंगे, भून लेंगे, क्योंकि बाजरा और तिल से बहुत ही स्वादिष्ट दलिया बनता है। ये दलिया कैसे बनाया जाता है इसकी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि हम ग्रीन वेजिटेबल से या कोई भी वेजिटेबल डाल के इस दलिये को बनाते हैं और खाने में ये बहुत ही पौष्टिक होता है। बाजरा आप किसी भी फॉर्म में खाइए, लेकिन बाजरा सर्दियों में आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। तिल हमारे भुंज गए, बंद कर दी गैस। अब देखिएगा ये बाजरा जो हमने सेका था ये ठंडा हो गया, नीचे से थोड़ा सा ज्यादा गर्म हुआ था तो देखिए कुछ बाजरा खील की तरह खिल गया है। अब ये ठंडा हो गया, मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है। अब इस बाजरे को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। अब देखिए इसको पीसने का तरीका है ना, वो पल्स मोड पे हमें पीसना है। तेज पीसेंगे तो आटा बन जाएगा, हमें आटा नहीं बनाना, हमें दलिया बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पल्स मोड पे इसको एक दो बार घुमा के इसको पीस लेंगे और बर्तन में वापस निकाल लिया। लास्ट में हमने जो तिल क्या किए भूंदे हैं, वो तिल हम इसी में ऐड कर देंगे और इस तरह दलिया बनाकर हम एक डब्बे में डालकर रख लेंगे। जब हमें जितनी जरूरत होगी वेजिटेबल्स के साथ हम इस दलिये को बना लेंगे। है ना कमाल की रेसिपी। आप भी इस तरह का दलिया तैयार करेंगे तो आप में खून की कमी है वो दूर हो जाएगी, आपके शरीर में कट कट की आवाज आती है वो भी नहीं आएगी, आयरन आपका क्या होगा बढ़ जाएगा और इस तरह का बाजरा खा के आप बिल्कुल ही पूरे दिन क्या रह सकते हैं, चुस्त रह सकते हैं। तो गर्जना नारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों के शरीर में अकड़न रहती है वो इस बाजरे के दलिये को जरूर खाइए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गर्जना नारी चैनल पर बने रहिए।